हमने एक नया एग्जांपल क्रिएट किया है 7EL, जो कि 6EL एग्जांपल का एक कॉपी है। इसमें हमने कुछ एनहांसमेंट किया है, वो मैं आपको दिखाता हूँ। इंडेक्स पेज एज यूजुअली इनके पास एक नेविगेशन लिंक है, और जो रिक्वेस्ट हमें रिसीव होगा वेब एक्सएमएल मैपिंग के अकॉर्डिंग, वो ए सर्वलेट क्लास को हैंड ओवर होगा। ए सर्वलेट क्लास कंट्रोलर्स में हमने डिफाइन किया हुआ क्लास है, जो एज इट इज़ वैसे ही हमें यूज़ करना है। यहाँ मॉडल्स में हम लोगों ने यूज़र डॉट जावा के अलावा यहाँ पर एड्रेस डॉट जावा, सिटी डॉट जावा और स्टेट डॉट जावा नाम से क्लासेस को डिफाइन किया है। तो आप देखेंगे जो सिटी डॉट जावा है उसमें सिटी क्लास है, और इसमें एक स्ट्रिंग वेरिएबल सिटी नेम है, जिसको हमने सेट और गेट करने के लिए सेटर गेटर पब्लिक एक्सेसर मेथड्स डिफाइन किया हुआ है। सिमिलरली स्टेट क्लास को देखेंगे, इसमें जो स्टेट नेम नाम का इंस्टेंस वेरिएबल है वो एक स्ट्रिंग वेरिएबल है, और इसके लिए हमने एक सेट और एक गेट मेथड क्रिएट किया है प्रॉपर बीन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग। दोनों ही क्लासेस को हमने यहाँ एड्रेस क्लास में एज एन इंस्टेंस वेरिएबल यूज़ किया हुआ है। तो हमने एड्रेस क्लास में दो इंस्टेंस वेरिएबल्स को क्रिएट किया है, सिटी क्लास का वेरिएबल और स्टेट क्लास का वेरिएबल, और इनके लिए भी मैंने प्रॉपर गेटर सेटर क्रिएट किया है। क्योंकि हम लोग ईएल पढ़ रहे हैं, इसलिए मॉडल क्लास में बीन में प्रॉपर बीन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग अपने गेटर सेटर बनाया होगा, ये एक्सपेक्टेड है। ईएल इस थर्ड पार्टी इम्प्लीमेंटेशन पर डिपेंडेंट है, अगर आपने गेटर मेथड ठीक से नहीं बनाया है तब ये फेल हो जाएगा। नाउ हमने यूज़र डॉट जावा में एड्रेस क्लास का वेरिएबल क्रिएट किया है, ठीक। नाउ अब हम लोग इस एग्जांपल को आगे पढ़ेंगे। तो यहाँ पर जो ए सर्वलेट नाम का हमारा क्लास है, जैसे कि हम इसे प्रीवियस एग्जांपल में ही डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन यहाँ मैं आपको वापस दिखाता हूँ। हमने यूज़र क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया और उसमें नेम और एज को सेट किया, पर अब हमें क्या सेट करना है, एड्रेस भी सेट करना है, पर इसके लिए हमें एड्रेस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। जो एड्रेस क्लास है उसके अंदर सिटी और स्टेट क्लास के वेरिएबल्स हैं, तो उनको इनिशियलाइज़ करने के लिए सिटी और स्टेट क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। तो हम ए सर्वलेट के अंदर सबसे पहले जो स्टेप लिखेंगे वो है मॉडल्स पैकेज के जो क्लासेस हैं, हम ऑलमोस्ट सभी क्लासेस को यहाँ पर ए सर्वलेट में यूज़ करना चाहते हैं। कैसे यूज़ करेंगे, हमने कहा हमारे पास एक सिटी क्लास का वेरिएबल है और हम उसे सिटी क्लास का ऑब्जेक्ट असाइन करते हैं। हमने सिटी क्लास में जो प्रॉपर्टी है सिटी नेम, जो कि एक स्ट्रिंग वेरिएबल है, उसे एक स्ट्रिंग वैल्यू असाइन किया। सपोज हमने कहा भोपाल सेमीकोलन। नाउ हमने स्टेट क्लास, एक मिनट, हमने स्टेट क्लास का एक वेरिएबल क्रिएट किया और उसे एक स्टेट क्लास का ऑब्जेक्ट असाइन कर देते हैं। नाउ स्टेट क्लास के ऑब्जेक्ट में जो प्रॉपर्टी है स्टेट नेम, ये नेम वैल्यू हम असाइन कर देते हैं। स्टेट नेम एक स्ट्रिंग वेरिएबल है, हमने कहा MP सेमीकोलन। नाउ हमने एक एड्रेस क्लास का वेरिएबल बनाया और हमने एड्रेस क्लास का ऑब्जेक्ट असाइन किया। नाउ हमने कहा एडर डॉट सिटी, जो कि एड्रेस क्लास का इंस्टेंस वेरिएबल है, हमने हमारे इस सिटी ऑब्जेक्ट को यहाँ असाइन कर दिया। तो कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, इसलिए मैं ऐसा कर सकता हूँ कि जो लोकल वेरिएबल है इसका नाम मैं सिटी रख देता हूँ, और मैं इस लोकल वेरिएबल सिटी की बात कर रहा हूँ। तो अभी अभी जो मैंने सिटी ऑब्जेक्ट असाइन किया है, जिसका सिटी नेम हमने सेट किया है, हम उसे एड्रेस क्लास के इंस्टेंस वेरिएबल को असाइन कर देंगे। सिमिलरली यहाँ भी हमें करना होगा, हमने स्टेट क्लास के वेरिएबल का नाम रखा ST और हमने कहा ST डॉट स्टेट नेम। नाउ यहाँ पर हमने कहा जो हमारा एडर क्लास का ऑब्जेक्ट है, एड्रेस क्लास का ऑब्जेक्ट है, उसको हमने एडर नाम के वेरिएबल में होल्ड किया है। हम उसके इंस्टेंस वेरिएबल स्टेट को भी इनिशियलाइज करेंगे, जो कि एक फ्रेश न्यू स्टेट ऑब्जेक्ट होना चाहिए। हमने ST नाम के वेरिएबल में उसे होल्ड करके रखा है। इस तरह से प्रॉपरली हमने एड्रेस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया भी और उसके इंस्टेंस वेरिएबल को भी इनिशियलाइज किया। नाउ अब हमें करना ये है कि जब हमने यूज़र क्लास में नेम और एज सेट कर दिया है, तब हमने कहा यूज़र डॉट, हमने कहा सेट एड्रेस, और यहाँ पर हमारे पास एक एडर नाम का वेरिएबल है, वो हम यहाँ पर एज एन आर्ग्यूमेंट पास कर देते हैं, और हमने यहाँ पर एक एड्रेस ऑब्जेक्ट पास कर दिया। यूज़र क्लास में जो इंस्टेंस वेरिएबल एड्रेस है वो एड्रेस क्लास का वेरिएबल है, इसलिए हम उसे एक एड्रेस ऑब्जेक्ट हैंड ओवर करने वाले हैं। नाउ ऐसे यूज़र ऑब्जेक्ट को हमने रिक्वेस्ट स्कोप में सेव किया और अब हम इसे किसे फॉरवर्ड करने वाले हैं, हमने कहा next.jsp पेज को।
हमारे एप्लीकेशन रूट में जो नेक्स्ट डॉट जे एस पी है वहाँ पर हमें क्या लिखना पड़ेगा? तो यहाँ पर हमें सबसे पहला जो स्टेप परफॉर्म करना है वो है एट्रीब्यूट को गेट करो, रिक्वेस्ट डॉट गेट एट्रीब्यूट। एट्रीब्यूट का नाम हमने यूज़र रखा हुआ है और हमने इस एग्ज़ाम्पल को एज इट इज़ कहाँ डिस्कस किया था, प्रीवियस एग्ज़ाम्पल 6EL में। तो इसलिए अगर कोई भी डिफ़िकल्टी हो तो आप वापस जाके उस एग्ज़ाम्पल को रेफ़र कर सकते हो। ये जो सारा कोड है वो सेम है, बस हमने तीन मॉडल क्लासेस को और ऐड किया है। तो यहाँ मैं एक डायरेक्टिव लिखने वाला हूँ, पेज डायरेक्टिव। हमें इम्पोर्ट स्टेटमेंट लिखना है और हमें क्या इम्पोर्ट करना है? हमने कहा हमें मॉडल्स जो हमारा पैकेज है उसके जो क्लासेस हैं उनको इम्पोर्ट करना है। तो ये यूज़र क्लास हो गया। नाउ यूज़र क्लास की एक एक प्रॉपर्टी को हमें प्रिंट करना है। जैसे हमने कहा नेम, देन हम एक br टैग इंसर्ट कर देते हैं। नाउ अब हमें यहाँ पर नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी प्रिंट करना है वो है एज। उसके बाद हम एक और बार प्रॉपर्टी प्रिंट करेंगे, हमने कहा सिटी। और इसके बाद एक और प्रॉपर्टी हमें प्रिंट करना है वो है स्टेट। ठीक है, तो अभी हमें यहाँ पर el का यूज़ करना पड़ेगा, एक्सप्रेशन लैंग्वेज। हमने कहा ये जो यूज़र ऑब्जेक्ट है डॉट गेट नेम। नाउ हमें एक और el यहाँ इंसर्ट करना होगा, ये हमने यहाँ पर लिखा यूज़र डॉट गेट एज। नाउ हमें सिटी शो करना है तो इसके लिए हमें क्या लिखना होगा? हमने कहा el में el का तो ही हम यहाँ पर एक्सप्रेशन लैंग्वेज यूज़ कर रहे हैं, एक्सप्रेशन यूज़ कर रहे हैं। स्क्रिप्टिंग का जो एक्सप्रेशन टेक्निक है यूज़र डॉट गेट, हमने कहा एड्रेस, क्योंकि यूज़र के पास तो एड्रेस ऑब्जेक्ट है। और जब हमें एड्रेस ऑब्जेक्ट मिल जाएगा तो हम उसे बोलेंगे डॉट गेट सिटी, क्योंकि एड्रेस के पास सिटी ऑब्जेक्ट है और सिटी के पास है गेट सिटी नेम। और यही बात को हमें यहाँ पर लिखना होगा। अब हमें स्टेट नेम प्रिंट करना है तो इसके लिए हमें क्या करना होगा? हमने कहा यूज़र डॉट गेट एड्रेस। तो यूज़र के पास जो एड्रेस ऑब्जेक्ट है, एड्रेस ऑब्जेक्ट में जो स्टेट नाम का इंस्टेंस वेरिएबल है हमने उसको गेट करना है, डॉट गेट स्टेट नेम। और इस तरह से ये जो प्रॉपर्टीज़ है, सबसे पहले हम लोगों ने इम्पोर्ट स्टेटमेंट लिखा और ना उसके बाद हम लोग रिक्वेस्ट स्कोप से एट्रीब्यूट गेट कर रहे हैं और फिर उनकी एक एक प्रॉपर्टीज़ को हम प्रिंट करने वाले हैं। तो अभी हम इनको कंपेयर करने वाले हैं कि el से ये बातें कितनी ईजिली हो जाएंगी। ठीक है, तो सबसे पहले तो मैंने इसे सेव करना है और हम 7EL में जो वेब INF फोल्डर है उसके src में जाएंगे। ये सोर्स का रूट है, हमने कहा javac-d... और हमने कहा कि जो हमारे सर्वलेट क्लास है उसे कंपाइल करो। तो यहाँ पर कुछ इश्यूज हैं तो हम देखते हैं। सिट नेम हैज़ प्राइवेट एक्सेस, तो आप यहाँ देख सकते हैं कि हमने एक थोड़ा सा गलत अप्रोच यूज़ किया हुआ है। हम किसी भी प्रॉपर्टी को, क्योंकि वो सब प्राइवेट है इसलिए हम इस तरह से नहीं कर सकते हैं, तो हम लिखना होगा सिटी डॉट सेट सिटी नेम और उसमें एज एन आर्ग्यूमेंट हमें पास करना पड़ेगा। देन क्योंकि ये प्राइवेट वेरिएबल है हमने कहा सेट स्टेट नेम और यहाँ पर हम लोग को एज एन आर्ग्यूमेंट पास करना होगा। सेम यहाँ पर भी होगा, हमने कहा सेट सिटी और इसे हम लोग एज एन आर्ग्यूमेंट पास करेंगे। नाउ नेक्स्ट यह है सेट स्टेट। नाउ लास्ट यहाँ पर सेट एड्रेस, ये तो हमने प्रॉपरली सेटर मेथड कॉल किया है, कोई इशू नहीं है। नाउ हम वन सेकेंड कंपाइल करेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ये कंपाइलेशन सक्सेसफुली पास हो गया। नाउ हम यहाँ पर एप्लीकेशन को रिलोड करते हैं। 7 नंबर के एग्जांपल को हमने रिलोड किया। नाउ 7 एग्जांपल को हमें ट्राई करना है। 7_EL एंटर प्रेस करते हैं, द लिंक पे हमने क्लिक किया और आप देख सकते हैं सक्सेसफुली हम लोगों ने नेम, एज और सिटी और स्टेट सभी प्रॉपर्टीज़ को एक्सेस किया है। नाउ हमें यहाँ एक छोटा सा और चेंज करना है, वो ये है कि अब मैं नेक्स्ट 2.jsp को रिक्वेस्ट फॉरवर्ड करना चाहता हूँ एक नए jsp पेज को, जहाँ हम el के थ्रू यही सेम पर्पस अचीव करेंगे। मैं next.jsp का एक कॉपी बनाता हूँ, मैंने कहा सेव एज और हमने कहा next2.jsp नाम से 7EL में एक नया फाइल क्रिएट करो।
यहाँ पर हमें एट्रीब्यूट गेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, यहाँ हमें पेज डायरेक्टिव लिखने की ज़रूरत नहीं होगी, यहाँ पर हमें ईएल जैसे सिंटेक्स के थ्रू हम इसे कैसे रिप्लेस करते हैं वो आप देखेंगे। डॉलर करली ब्रैकेट, हमने कहा यूज़र नाम का एक रिक्वेस्ट स्कोप एट्रीब्यूट है जो कि एक यूज़र ऑब्जेक्ट को पॉइंट करता है, डॉट नेम। नाउ हम लोग यहाँ पर ईएल सिंटेक्स यूज़ करेंगे जो कि आप देख सकते हो कि कितना सिंपलर है। हमने कहा यूज़र नाम का रिक्वेस्ट स्कोप एट्रीब्यूट है जो कि यूज़र बीन ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट करता है, उसमें एक एज नाम का प्रॉपर्टी है। यहाँ पर आप देखो ये तो काफ़ी लेंदी है स्टेटमेंट, मैं यहाँ पर ई एल के थ्रू इसको कितना कॉम्पैक्ट करूँगा। हमारे पास यूज़र नाम का रिक्वेस्ट स्कोप्ड एट्रीब्यूट है जो कि यूज़र बीन ऑब्जेक्ट को पॉइंट करता है, हम उसकी प्रॉपर्टी एड्रेस की बात कर रहे हैं जो कि एक एड्रेस बीन को रिप्रेजेंट करता है। एड्रेस बीन में एक प्रॉपर्टी है सिटी जो कि एक सिटी बीन को रिप्रेजेंट करता है, उसके अंदर एक प्रॉपर्टी है सिटी नेम। तो हम लोगों ने देखेंगे कि कितने कॉम्पैक्ट स्टेटमेंट हमने यहाँ पर यूज़ किया हुआ है। नाउ अगेन हमें यहाँ पर स्टेट नेम प्रिंट करना है, हमने कहा रिक्वेस्ट स्कोप में जो एट्रीब्यूट है उसका नाम है यूज़र जो कि यूज़र बीन को रिप्रेजेंट करता है, यूज़र बीन डॉट उसके अंदर का प्रॉपर्टी। यूज़र क्लास में एक एड्रेस नाम का वेरिएबल है जो कि एड्रेस क्लास टाइप का वेरिएबल है, एड्रेस नाम का प्रॉपर्टी एड्रेस ऑब्जेक्ट को पॉइंट करता है, जिसके अंदर स्टेट नाम का इंस्टेंस वेरिएबल है जो कि स्टेट ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट करता है। तो ये एक बीन है तो ये उसका प्रॉपर्टी होगा, ये प्रॉपर्टी इटसेल्फ एक बीन है स्टेट क्लास का ऑब्जेक्ट डॉट हमने कहा उसमें एक प्रॉपर्टी है स्टेट नेम, तो वो हम प्रिंट करना है। तो आप देख सकते हैं यहाँ हमने कुछ करेक्शन करके इस पेज को डिज़ाइन किया हुआ है, ये हमारा नेक्स्ट टू है और यहाँ मुझे किसी भी तरह का डायरेक्टिव या गेट एट्रीब्यूट नहीं लिखना पड़ेगा। ये स्टेटमेंट बहुत ही सिंपलर है रीड करने के लिए। मैं इस कोड को रिकम्पाइल करता हूँ और हम इस कोड को रीट्राई करेंगे। तो यहाँ पर कंपाइल करने के बाद एप्लीकेशन को रीलोड करना है, 7EL नाम का हमारा जो एग्ज़ाम्पल है हमने इसको रीलोड किया। रीलोड करने के बाद हम इसको वापस ट्राई करेंगे, बैक जाते हैं, मैंने कहा रिफ्रेश और द लिंक पे क्लिक किया, अगेन सेम आउटपुट आया। तो आप देख सकते हैं यहाँ मैं कुछ यहाँ पर कुछ लाइन डेकोरेशन कर देता हूँ जिससे कि आपको पता चलेगा कि हम एक नए पेज को एक्सेस कर रहे हैं। ठीक है, तो हम नेक्स्ट टू डॉट जे एस पी को एक्सेस कर रहे हैं, ये आपने एक्सपीरियंस किया। आप देख सकते हैं ई एल कितना कॉम्पैक्ट स्टेटमेंट है। एक बार फिर से हमने एग्जाम्पल क्रिएट किया, थोड़ा सा बिट कॉम्प्लेक्स एग्जाम्पल क्रिएट किया जिसका इंटेंशन ये बताना कि कितने सिंपली हम इन बीन क्लासेस को एक्सेस कर सकते हैं, EL कितना कॉम्पैक्ट और पावरफुल है। ये एक्सपीरियंस करने के लिए हम लोगों ने एक और सिमिलर एग्जांपल बनाया विद सम कॉम्प्लेक्सिटी। इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको और नए प्रॉपर्टीज़ के बारे में बताऊंगा।